आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान ना करें। कहा, लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज बंगाल में दिखेगा चक्रवाती तूफान सितरंग का प्रभाव, आईएमडी ने जारी किया चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अल्टीमेटम, सोमवार सुबह तक इस्तीफा दें 9 वाइस चांसलर। फतेहपुर में टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी पलटी, 2 दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतरे, वंदे भारत समेत कई ट्रेन प्रभावित। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना तय, जॉनसन दौड़ से बाहर, 155 सांसद कर रहे सुनक को सपोर्ट। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गाजीपुर के सिधौना गांव में आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र शामिल हुए और उन्होंने इस अवसर पर यूनानी आयुर्वेद और होम्योपैथी के द्वारा लगाए गए स्टॉल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उद्यान विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक पौधे का भी ग्रामीणों के बीच वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा लगातार नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और पुराने अस्पतालों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है, आयुर्वेद, उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो धनतेरस कहते हैं। सच में ये भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को मनाने का त्यौहार है। तो आज इसी बहाने मेरे गाँव पे, चूँकि ये आयुर्वेद दिवस है, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी, जो आयुष की तीनों विधाएं हैं, उनके लोगों का एक कैंप गांव वासियों के लिए, अगल बगल क्षेत्र के लोगों के इलाज की बेहतर सुविधा के लिए आज यहां एक कैंप का आयोजन। फरुखाबाद, हैबतपुर, गड़िया, काशीराम कॉलोनी में विकास मंच के बैनर तले स्वर्गीय सुरेश चंद्र अग्रवाल की स्मृति में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक परिवारों को मिष्ठान व गणेश लक्ष्मी का कैलेंडर भेंट कर खुशियां बांटी गई। इसके साथ ही समिति हर सुख दुख में परिवार के बेटे समान मदद करने का वचन दिया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहन अग्रवाल ने कहा कि किसी भी अराजक तत्व, गुंडे, मवाली से डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी साथ होकर लड़ने की काफी कोशिश करेंगे। हरदोई में दिवाली के शुभ अवसर पर जगह जगह स्ट्रीट लाइट खराब दिखाई दी। बता दें कि सिनेमा रोड पर इस पावन मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, पर लाइटों के अभाव से त्योहार की चमक थोड़ी फीकी दिखाई दे रही है। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन की तरफ से लाइटों को ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया। हरदोई में महाराज सिंह पार्क में मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने दिवाली मिलन का आयोजन किया, जिसमें मंत्री नितिन अग्रवाल ने निर्धन बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया, जिसमें सैकड़ों बच्चे ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी सरकार में आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ बच्चों को दिवाली का उपहार दिया। मंत्री व उनके परिवार में दीपावली का उपहार पाकर सैकड़ों निर्धन गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। देखिए, दीपावली का त्यौहार है और मैं चाहता था कि अपने शहर के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं, उनके बच्चों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाऊं। और मुझे खुशी है कि आज बहुत परिवार, पूरे शहर में करीब 350 बच्चे आज मेरे आर्थिक के साथ दीपावली मनाई है। और मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग सब लोगों को इन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के साथ बैठकर उनके घर में दिया जरूर जलाना चाहिए, मत ये करूँ, कोशिश करनी चाहिए।
शाहजहांपुर में दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के बाजारों में दिवाली के पर्व की धूम खूब देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में बाजार में भीड़ हल्की रही, लेकिन शाम होते होते बाजारों में जमकर भीड़ दिखाई दी। इस दौरान नगर के बहादुरगंज चौक समेत बाजारों में ग्राहकों की जमकर भीड़ उमड़ी। लोगों ने बाजारों में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामानों की खरीदारी की। वहीं भाजपा नेत्री नीतू गुप्ता ने दिए जलाकर दीपावली मनाने की अपील भी की। दीपावली के लिए सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस का पर्व है, दो दिन का पर्व है, इसलिए थोड़ा सा शुरू में हल्का था, पर इस समय सब धनतेरस की दिशा लग चुकी है। तो धनतेरस में काफ़ी भीड़ रश है, लोग आ रहे हैं और ये आज से लेकर कल तक लगातार चलता रहेगा, क्योंकि आज दोपहर से कल दोपहर तक की धनतेरस का समय था। धनतेरस जैसा कि सभी को पता है कि आज दोपहर बाद से ही मुहूर्त लगा है और बाज़ार में अच्छी रौनक मुझे दिखाई दे रही है। कस्टमर कोरोना के बाद दो साल बाद कुछ अपने घर के शुभ कार्यों के लिए इस समय मार्केट में अच्छे से निकले हुए हैं और मुझे तो इस बार दीपावली और धनतेरस सभी दर्शकों और सभी ग्राहकों सभी के लिए मुझे बहुत शुभ महसूस हो रहा है। देखने को मिली है क्योंकि अराउंड दो साल बाद कोरोना के बाद इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, तो काफ़ी रौनक है, काफ़ी रोशनी है। और खरीदारी, मैं अपने लिए अंगूठी खरीदने आई हूँ तो मैंने अंगूठी खरीदी है अपने लिए, नहीं तो मीनल। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भीड़ है बाहर क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, कोविड के बाद लोग बाहर निकले तो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। बाकी वो गणेश लक्ष्मी और जो पूजा का सामान होता है वो सब खरीदारी के लिए थोड़ा बहुत खाया है, कुलिया है पूजा के लिए, ताकि हम लोग जब दिए खरीदेंगे इन लोगों के घर में भी दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं ये लोग भी बहुत अच्छे से। और बेसिकली मैं कहना चाहूँगी सबसे कि सभी को, जो ये लोग छोटे छोटे बच्चे जो दिए बनाते हैं बेचते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं कि एक दिन दीपावली के दिन इनको आके सेल करें यहाँ पे, तो हम लोगों को इन्हीं से दिए लेने चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी लेने चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉल से नहीं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं, इन लोग ये लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, दिए बनाते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, ये भी बच्चे हैं दिवाली। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुंवर आशीष प्रताप सोमवंशी एडवोकेट एवं निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन पद नगर पालिका परिषद जनपद फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश भाटी सर्विलांस प्रभारी फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर जगदीश भाटी की अपील, किसी भी प्रकार की लॉटरी रिचार्ज व अन्य भ्रामक लिंकों से सावधान रहें। साइबर फ्रॉड की घटना होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। रजनीश कुमार ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर इंस्पेक्टर रजनीश कुमार ने कहा कि जनपद वासियों से विनम्र अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। रामजी अग्निहोत्री युवा जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर रामजी अग्निहोत्री की अपील, ये दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। सचिन द्विवेदी फार्मासिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर सचिन द्विवेदी की अपील, त्योहारों को सौहार्द के साथ मनाएं। संजीव बालियान उर्फ बिटाना शराब ठेकेदार एवं शिवम अग्निहोत्री व्यापारी फरुखाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद में कौशाम्बी इंस्पेक्टर ने सेक्टर 1 वैशाली में पुलिस की सराहनीय पहल दिखाई दी। पुलिस विभाग की तरफ से गरीब दलित व्यक्तियों व अनाथों के बीच मिठाई दीपक मोमबत्ती वितरित किए गए। इसके बाद सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसी दौरान इंस्पेक्टर प्रभात कुमार दीक्षित ने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण त्योहार नहीं मना पाते हैं। ऐसे में इन बच्चों को मिठाई व उपहार देकर मन को जो खुशी मिलती है उसे बयां नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा में बैठे चालक समेत कुल 5 सवारियां घायल हो गई। वहीं घटना के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने घायलों को GN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही घायल के परिजन ने बताया कि जब घायलों को इलाज के लिए JN मेडिकल लेकर गए तो डॉक्टरों ने खुद ही ड्रेसिंग करने के लिए कहा। परिजनों ने JN मेडिकल में ड्रेसिंग किए जाने की वीडियो भी सामने आई है। कितने लोग बैठे हुए थे आप ट्री में? चार लोग बैठे हुए थे। लगभग कितने लोगों के चोट है? चार लोगों के चोट। गाड़ी वाला पकड़ा आप लोगों ने? नहीं। क्या क्या नाम है इन लोगों के जिनके चोटे आएंगे? मेरी अपनी शहजादी नाम है और खाला का रईसा और रेहान भाभी। कौन कह रहे हैं? कौन बोर्ड हुए कहने डॉक्टर कहने डॉक्टर? आपके साथ पेशेंट है? आप पेशेंट है, मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है। आओ पेशेंट है, तीन पेशेंट है हमारे। सब सका गया। ठीक, क्या नाम है आपका? लखीमपुर के बेलराया में चीनी मिल के पीछे लगी पटाखे की दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पटाखे के लगातार फूटने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। फरीदाबाद नगर निगम के गेट पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे नगर निगम सफाई कर्मचारियों के समर्थन में NIT ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पहुंचे, जिन्होंने कहा कि अब अपना अंगत वाला पांव जमा दिया है, उनका पांव पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे इस लड़ाई में वह अकेले ही क्यों ना रह जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की अब 200 करोड़ के घोटाले के बाद नगर निगम में 400 करोड़ की हुई है। हरदोई के कासिमपुर इलाके में संडीला मल्लावा मार्ग पर पिकअप की जोरदार टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई और एक बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल युवक अपने रिश्तेदारों को दवा दिलाने गौसगंज जा रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित पिकअप डाला चालक ने जोरदार बाइक में टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत से त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हरदोई के कछौना इलाके में 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CSC कछौना में भर्ती कराया। गंभीर हालत देखते हुए दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार वैन लखनऊ से मजदूर लेकर आ रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा लिया है। दीपावली के त्यौहार पर हुए भीषण हादसे में परिजनों में कोहराम मच गया। हरदोई के मंझिला इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जेब में एक नोट मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नोट में युवक ने लिखा, सपना मेरा मोबाइल वापस कर दो। साथ ही पुलिस ने पेड़ पर लटके शव को उतरवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती कुछ दिनों से युवक से दूरी बनाए हुए थी, जिससे परेशान होकर युवक ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। खबर औरैया से है, जहां पर थाना फफूंद क्षेत्र के एक युवक का शव सड़क किनारे मिला।
जिसकी सूचना राहगीरों ने ग्राम प्रधानों को दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पर युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना फकुन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिरपुसरिया में एक व्यक्ति के शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। इसमें तत्काल पुलिस, थाना पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें शव का पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा जा रही है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दारू पीते आ रहा था, दारू पीता था। अच्छा, दारू तो ये कहाँ से कहाँ? देवपुर से घर पे जा रहे थे, रास्ते में गिर गए, रात भर पड़े रहे। और क्या? अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा? हमें अगर लड़का ट्यूशन पढ़ना आए उन्हें बताओ। अच्छा, फोन करके जी। तब आप यहाँ पर आए? हाँ जी। पुलिस को सूचना किसने दी थी? पुलिस की सूचना तो है, किसी ने दे दी हो। पोस्टमार्टम है और क्या चाहते? उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। चंदा देवी पत्नी लाल बिहारी सिंह ग्राम प्रधान लालीपार कुशीनगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुशीनगर कैफुल अली, मैं सभी सम्मानित नगर वासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रतिमा वर्मा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ और आप सभी देव तुल्य जनता को धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा है अब की दिवाली आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होगा। मैं चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के स्किल को डेवलप करना चाहती हूँ, जिसके लिए जो महिलाएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए सिलाई की व्यवस्था, कढ़ाई की व्यवस्था, ये सब, जिससे वो बेरोजगारी का सामना ना कर सके, उनको कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। और जो पढ़ी लिखी हैं लड़कियां तो उनको कंप्यूटर की शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से उनको हम मतलब शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग के और उनके स्किल को डेवलप करेंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।